हमारे YouTube चैनल स्नैक लवर। दोस्तों, स्नैक रेस्क्यू के लिए आज हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कॉल आई है। हम कल्याणपुर से कुछ पहले यहाँ फुलसिया चौक है और यहाँ पर इन लोगों ने, गांव वालों ने एक अजगर समझ के एक स्नैक पकड़ दिया है। हाँ, ये भाजपा के युवा मोर्चा के रजनी। हाँ, तो मिले हमारे ये युवा भाजपा युवा मोर्चा के रजनीश चौधरी जी है। इन्होंने ये कॉल किया था एक सांप को रेस्क्यू करने के लिए। तो दोस्तों, ये सांप को जो यहाँ ही किसी लड़के ने पकड़ के रख लिया था इसको अजगर समझ के, तो हालांकि वो सक्सेस हो गया, लेकिन ये बहुत डेंजरस सांप है। दोस्तों, हम बतलाना चाहेंगे, ये रसल स्वाइपर है जो जिसमें हेमोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है, और अगर ऐसा सांप काटता है तो आपको बांधना बिल्कुल भी नहीं है। तो बने रहिए फ्रेंड्स, हम लोग इसे डब्बे में डाल के ले जा रहे हैं। ये एक, जैसा कि आप देख सक रहे हैं, ये एक फुल साइज रसल स्वाइपर है दोस्तों, जो कि थोड़ा और बढ़ेगा, एक डेढ़ फीट और बढ़ सकता है, लेकिन ये भी फुल साइज में ही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसके सर के ऊपर से जो है ये पैटर्न होता है बना हुआ, चेन चेन पैटर्न बना होता है जो इसकी पहचान है, और थोड़ा सा छेड़ने पर जो है ये विसिल की आवाज निकालता है। ये इसके मुंह से थोड़ा ब्लड आ रहा है, लगता है इसने कुछ खाया है अभी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके मुंह से हल्का ब्लड आ रहा है और शायद इसने कुछ खाया है, तो हमें लगता है उसका ब्लड हो सकता है। दोस्तों, और बड़ा होता है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा और बड़ा होता है। सांप पहचान रहे हैं हम लोग, हमको मारना शुरू कर देंगे तो मेरा काम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, हमने बहुत गजली तरीके से इस स्नैक को जो है इस डब्बे में बंद कर लिया। तो फ्रेंड्स, हमारा यही कहना है कि बहुत सारे हमारे गांव पिछड़े इलाके हैं जहां के लोगों को सांपों की जानकारी नहीं है, सांप पहचानने में वो मिस्टेक कर देते हैं। तो ऐसा सांप अगर दिखे दोस्तों, तो इसे भूल से भी अजगर मत समझिए। अगर इसे अजगर समझ के आप पकड़ने जाते हो और ये आपको बाइट कर लेता है तो आपके लिए जानलेवा होगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा स्नैक रेस्क्यू वीडियो? अगर पसंद आया हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, जिससे आने वाले समय में ऐसे और भी सांपों की जान बचाई जाए। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस रसल वाइपर को कल्याणपुर के पास रेस्क्यू किया और दोस्तों, हम इसे लेकर नेचर में रिलीज करने आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रसल वाइपर की कंडीशन थोड़ी खराब थी, या फिर इसने कुछ खाया होगा और इसके मुँह से ब्लड निकल रहा था। तो साथियों, बने रहिए वीडियो में, हम इसे रिलीज करने जा रहे हैं।
सकते हैं फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे झाड़ियों की ओर जाने लगा है। हम चाहेंगे ये झाड़ियों में चला जाए और आगे की अपना जिंदगी अच्छे से जिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये झाड़ियों में सरक रहा है और तो आपने देखा फ्रेंड्स, हमने अच्छी तरह से इस रसल वाइपर को फॉरेस्ट में लाकर रिलीज कर दिया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा स्नेक रेस्क्यू वीडियो एंड रिलीजिंग वीडियो? अगर पसंद आए तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आने वाले समय में ऐसे और भी सांप बचाए जा सके। मिलते हैं अगली बार फिर से और सारे स्नेक के साथ। आपका अपना स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद।